तरह तरह कैसे बंदिश से पैदा हुई है। हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेले थे, मुरीद थे। एक मर्तबा उन्होंने अपने गुरु ने उनके कहा कि खुसरो फलाने फलाने गांव में जाओ और वहां से हमारा काम करके आओ। तो अमीर खुसरो वहां गांव में गए और देखा जब वहां से कि कुछ एक कुएं के ऊपर एक 15-20 औरतें और आदमी कुछ गा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। तो वो जो गुरु ने जिस काम के लिए भेजा था वो भूल गए अमीर खुसरो, और वो सुनने लगे खड़े होकर। बोले तो अजीब बात है, ये रंग भी मल रहे हैं, होली भी खेल रहे हैं, कुछ गा भी रहे हैं। तो वो अमीर खुसरो वो काम भूल के वापस आ गए। तो पीर ने गुरु ने कहा जो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा रहा क्या हुआ उसको। अरे बोले हुजूर मैं तो भूल गया। अरे इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी बदतमीजी, तुमको जो काम सौंपा था तुम छोड़ के आ गए। बोले मेरे पीर मुर्शद, मैं जो मंजर देख कर आ रहा हूँ वो फलाने गांव से पहले ये गांव में कुछ 30-40-50 लोग कुछ गा रहे थे और होली खेल रहे थे। तो तुम क्या चाहते हो। बोले हुजूर मैं भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो वो 700 साल से बसंत चढ़ती है, बसंत पंचमी में बाकायदा हम लोग खानदानी लोग जो हैं सब 50-60 लोग जमा होते हैं और ये कपड़े पहनते हैं गेरवा कलर के, ये पगड़ी साफे और यही कपड़े पहन के बसंत चढ़ाई जाती है पीर के मजार पर और ये चीजें गाई जाती हैं। तो 700 साल से सिलसिला अब तक चल रहा है। उस मौके पे हम जाते हैं वहां जी। हाँ सूफी सूफी, हाँ जी जी सूफी रंग है। भूल रहे सदर मन बोल रही दर दो दर दो बोल रही दर बोल गोरी कोयल बोल गोरी कर दर कर किंगार बोल 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 रही दर तरह तरह के फूल मगाए ले गए निजामुद्दीन।
कराने वाला हूँ, वो खुद अमीर खुसरो की बंदिश है। भूल के ले बगियन आमद फसले बहार, भूल के ले बगियन आमद फसले बहार, आमद फसले बहार, भूल के बगियन में आमद फसले बहार, भूल के ले बगियन में आमद फसले आ